ठीक वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मणुअवंगदिं पाते गोच्छामि समय पाहुर्विमुचिन्मोऽसुध केवली भणिदम्। No, I think we all have to सुनाई तो पड़ रहा है join it again because it's not working. हमने are you able to hear us? No, sir. ये पिछले व्याख्यान में हमने पुण्य और पाप अधिकार शुरू किया था। इस पुण्य पाप अधिकार में ये बताया गया कि पुण्य भी पाप के समान ही मोक्ष मार्ग में ही है। बात तो इतनी सी है, संपूर्ण पुण्य पाप अधिकार का सार यही आएगा, लेकिन कुल मिलाकर हमें ऐसा लगता है कि क्या पुण्य बिल्कुल ही है, क्या कोई ऐसी अपेक्षा है जिसकी अपेक्षा पुण्य थोड़ा उपादेय हो? यदि पुण्य पूरी तरह है तो क्या हमें इस पुण्य को छोड़ देना चाहिए, क्या पुण्य नहीं करना चाहिए? एक प्रश्न ये सब लोगों का अक्सर रहता है। लास्ट समय पर भी समीर जी ने प्रश्न पूछा था, तो ये प्रश्न वास्तव में अच्छा है, लेकिन हमें क्या करना है? पुण्य में रहना, सुनना, अभी मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगा, वो पूरा एकदम सॉलिड सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में आपका उत्तर लगभग हो जाएगा। पुण्य में बने रहना ये अलग बात है, और पुण्य को उपादेय समझ लेना ये अलग बात है। समझ गए? पुण्य में बने रहना, पुण्य को जीवन में स्थान देना। क्यों देना? मजबूरी से। मजबूरी क्यों? पाप से बचने की, पाप से बचने की मजबूरी है, और शुद्ध भाव अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ऐसी असमर्थता है। दूसरा, इधर पुण्य को नहीं अपनाते हैं तो पाप में चले जाते हैं, ऐसी मजबूरी के कारण पुण्य में बने रहना ये एक अलग बात है। लेकिन पुण्य में बने रहते हुए भी, पुण्य में बने रहते हुए भी उस पुण्य को उपादेय समझ लेना वो एक अलग बात है, और वो गलत बात है। अलग बात भी है और गलत बात भी है। दरअसल क्या है कि पुण्य को अपनाना पड़ता है वो ठीक है, लेकिन पुण्य को अच्छा समझ लेना और उसी में संतुष्ट हो जाना, वहां मोक्ष मार्ग जो है प्रभावित हो जाता है। पुण्य करना ठीक है, करना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन वो क्या है, एक आदर्श रूप नहीं है, उसमें संतुष्ट होने योग्य नहीं है। ये जो है तो हमारी भूमिका से थोड़ी ऊपर की बात, हमारी भूमिका से थोड़ी ऊपर की बात तो है, लेकिन उस बात को भी समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें आगे कभी ना कभी मोक्ष मार्ग में जाना है, इसलिए उस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार की बात हमने की। अब जो है इस पुण्य पाप अधिकार की जो सबसे पहली गाथा है, वो पहली ही गाथा में टीकाकार, गाथा तो अभी पढ़ेंगे अपन, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि वो टीकाकार शिष्य के माध्यम से एक प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं। शिष्य के माध्यम से जो प्रश्न किया जाता है उसको अपन बोलते हैं पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष माने एक प्रकार से सामने वाली पार्टी ने एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि नहीं, ये पुण्य और पाप तो बड़े 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 विलक्षण है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों को एक कदापि नहीं कह सकते, और इनमें एक ही अंतर नहीं बल्कि चार चार अंतर है। दोनों का उत्पत्ति का कारण भी अलग है, दोनों का स्वभाव भी अलग है, दोनों के फल भी अलग है, दोनों का आश्रय भी अलग है, ऐसे करके चार चार तर्क हमारे सामने पूर्व पक्ष वाले ने रख दिए। अब जब पूर्व पक्ष ने चार हमारे सामने प्रश्न रख दिए तो उनका उत्तर कैसा दिया, ये जो है इसमें टीका में बताया जाएगा बहुत सुंदर रीति से, बहुत ही सुंदर रीति से जो है इसका उत्थापन, यानी कि पहली ही गाथा जबरदस्त मजेदार सामने आई है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहली गाथा को, यानी कि 145 नंबर की गाथा को पढ़ते हैं। ये 145 नंबर की गाथा यहाँ है। कम मसुअम कुशीलम
सुहकम चा विजाण सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। बहुत सुंदर गाथा है, इतनी सुंदर, इतनी सरल, इतनी सुबोध गाथा है कि गजब की है एकदम। कुछ यही मतलब ऐसा लगता है एकदम इतनी सीधी सरल गाथा है। देखो कमम प्लस असुहम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े कर लेंगे, कमम प्लस असुहम यानी अशुभ कर्म, ठीक है, असुहम यानी अशुभ, कमम यानी कर्म, अशुभ कर्म कुशील है, और सुहकम्मम, सुहकम्मम यानी शुभ कम्मम, शुभ कर्म जान सुशीलम शुभ कर्म को सुशील जानो और अशुभ कर्म को कुशील जानो। चावी शब्द और है ना बीच में, चावी जिसका अर्थ मैंने अभी बताया नहीं, तो च प्लस अभी, अभी माने और, चावी मतलब और, शुभ कर्म सुशील, शुभ कर्म सॉरी अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, ये पहली पंक्ति का मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन ये बात तो संसारी कहते हैं, जो पहली लाइन कह रही है ये सभी संसारी, सभी मिथ्या दृष्टि, सभी अज्ञानियों का मत है। अब जो दूसरी लाइन कहती है वो सुनिए क्या कह रही है, कह तम होदि सुशीलम, तम तम यानी वह कर्म, वह कर्म, देखो कर्म एक ही है, शुभ कर्म भी उसी का भेद है और अशुभ कर्म भी उसी का भेद है, एक ही कर्म के दो भेद हैं, इसलिए यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया, ध्यान देना इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, इस तरफ सिर्फ उसी का ध्यान जाएगा जो थोड़ी बहुत प्राकृत भाषा जानता है। प्राकृत भाषा का ये एक वचन का रूप है, दो वचन का रूप नहीं है, है? समझिए ना, एक वचन यानी कि कह तम होदि सुशीलम, उस कर्म को हम कह मतलब कैसे, होदि माने है, सुशील यानी सुशील है, वह कर्म कैसे सुशील हो सकता है, जम यानी कि जो संसारम प्रवेशेदी, जो संसार में प्रवेश कराए, जो कर्म संसार में प्रवेश कराए वो कर्म सुशील कैसे हो सकता है। क्या समझ में आई, बड़ी गजब की गाथा है, हिला देने वाली गाथा है ये गाथा। ये कहती है कि जो कर्म संसार में प्रवेश कराता है उसे आप सुशील कैसे कह सकते हो, शुभ कर्म आपको मनुष्य और देवगति में पहुंचाएगा, अशुभ कर्म नरक और त्रियंज गति में पहुंचाएगा, लेकिन ये चारों गतियां ही तो है, चारों संसार ही तो है, संसार के बाहर क्या है, संसार के बाहर है क्या, ये संसार ही तो है, ये शुभ और अशुभ ये दोनों ही कर्म संसार में भटकाते हैं, घुमाते हैं, भ्रमाते हैं, तो अब इन दोनों ही कर्मों में से हम एक को सुशील और दूसरे को कुशील कैसे कहें, हमें तो ये दोनों के दोनों कर्म कुशील ही लगते हैं सुशील तो हम उसे कहेंगे जो इन चारों गतियों से छुड़ाकर हमको पंचम गति मोक्ष में पहुंचा दे। समझ में आई बात, बहुत ही गजब बात है। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि आपके पास दो शब्द हैं, एक है सुशील और दूसरा है कुशील, ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्द में से जो सुशील वाला शब्द है ना वो थोड़ा अच्छा है, उस अच्छे वाले शब्द को बचा के रखो, आप बाद में काम आएगा बचा के रखो, काम आएगा कि क्या काम आएगा महाराज, कि महाराज ये काम आएगा कि जो पंचम गति है ना उसके लिए ये काम आएगा शब्द। यदि सुशील शब्द को भी आप इस कर्म के लिए ही प्रयोग कर दोगे तो फिर पंचम गति के लिए और नया शब्द कहां से लाओगे, समझ में आई बात। ये तो एक मेरा एक अलग मत है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि आचार्य देव के दृष्टिकोण में ये बात एकदम कितनी स्पष्ट है और कितनी दृढ़ता से वो ये बात कहते हैं कि चारों गतियां ही सुशील है, सुशील तो पंचम गति। बड़ी गजब की गाथा है, प्राकृत गाथा तो सीधी सिंपल है ही, लेकिन इसका हिंदी जो पद्यानुवाद है वो भी बड़ा सुंदर। देखिए सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के हैं हेतु वे कैसे कहें कि सुशील है। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है,
संसार के हैं हेतु वे, संसार के दोनों ही हेतु हैं, तो हम कैसे कहें कि उनमें से कोई एक सुशील है। चार गुंडे हमें लूट रहे थे, चार भद्र पुरुष आकर हमें बचा रहे थे, लेकिन हम तो भुलावे में थे। वे जो चार जो भद्र पुरुष जिनको हम भद्र समझ रहे थे वो उनसे मिले जुले थे, वो चार गुंडे और चार भद्र एक ही पार्टी के थे, चारों की प्लानिंग थी और उन्होंने हमको फंसाया था। इसी प्रकार से शुभ कर्म भी संसार में उलझाते ही हैं। देखो अशुभ कर्म से तो जीव सावधान हो सकता है क्योंकि उसको पता है कि यह अशुभ है, इसलिए वो डर सकता है, सावधान हो सकता है, लेकिन सुशील जो शुभ कर्म है उनसे सावधान होना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि सामने वाले पता नहीं, हमें लगता ही नहीं कि वो कोई बुरा है, तो हम इतने सावधान होते नहीं है। तो इसलिए शुभ कर्म उल्टे ज्यादा हमको उलझा सकता है, ज्यादा खतरनाक है, अशुभ की बजाय शुभ कर्म ज्यादा खतरनाक है। ऐसी बात इससे भी अगली गाथा में आएगी, इससे जस्ट अगली गाथा जो 146 नंबर की जो गाथा आएगी उसमें इस बात को बहुत सुंदर दृष्टांत से समझाएंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे कि शुभ कर्म अशुभ कर्म की अपेक्षा और अधिक घातक है। ये बात समझाएंगे बहुत जोरदार तरीके से समझाएंगे। एक बार हो सके तो प्रवचन सार का शुभोपयोग अधिकार है, वो भी एक बार पढ़ लीजिए, ऐसे ही पढ़ लीजिए, यदि पुस्तक है तो आपके पास घर पर, आपको इतना एकदम स्पष्ट क्लियर पिक्चर बन जाएगी दिमाग में कि ये शुभ और अशुभ कर्म देखा जाए तो क्या गजब है, इनमें तो कुछ अंतर दिखाई नहीं देता, बल्कि थोड़ा बहुत अंतर दिखता है तो वो ये दिखता है कि शुभ कर्म ज्यादा घातक ये दिखता है। ऐसी बात समझ में आएगी, गजब की बात है, ये एकदम गजब की बात है। अभी देखिए मूल गाथा तो हमने पढ़ ली और मूल गाथा में तो सिर्फ इतनी ही बात है, ठीक है, लेकिन जो इसकी टीका है, देखो ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है कि जो बात टीकाओं में खुलकर आई है वो तो कुछ और ही बात है, बड़ी गजब की बात है, लगता है कि वो उनका एक मौलिक नवीन ग्रंथ है एक तरीके से। टीकाओं में एक सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से पूर्व पक्ष रखा, पूर्व पक्ष का मतलब जानते होंगे प्रश्न, प्रश्न रखा, और प्रश्न भी कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं, कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं, और कोई प्रश्न एक या दो भी नहीं, चार चार प्रश्न सामने रख दिए शिष्य ने। क्या रख दिए कि महाराज मुझे आप ऐसे वैसे मूर्ख मत बनाओ, मैं कोई मूर्ख थोड़े ही हूं, मुझे पाप और पुण्य में अंतर समझ में आता है, पाप और पुण्य में मैं एक नहीं चार अंतर गिनाता हूं। देखो पाप तो गलत काम करने से होता है, जब हिंसा करूंगा, झूठ बोलूंगा, चोरी करूंगा तब पाप होगा, और पुण्य कमाना हो तो हिंसा करने से होगा नहीं होगा, उसके लिए मुझे दान देना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जप तप करने पड़ेंगे, हैं कितने दिन उपवास रखूंगा, कितने तीर्थ यात्राएं करूंगा। देखो पुण्य कमाना हो तो उसके कारण अलग हैं, पाप कमाना हो तो उसके कारण अलग हैं, कारण जिनके अलग हैं तो कार्य अलग क्यों नहीं होगा, समझना बहुत गजब का है। पहली बार जो समय सार पढ़ते हैं, जिन आप में से यदि कोई पहली बार पढ़ रहा सुन रहा हो तो वो ध्यान देना, मैं भी पहली बार जब पढ़ा तो जब ये चार लॉजिक सामने आए तो मैं इनको क्या समझ रहा था, उत्तर पक्ष, हर कोई इनको उत्तर पक्ष समझेगा क्योंकि बड़ा जबरदस्त तर्क है सामने, एकदम ऐसा लगेगा ये प्रश्न नहीं, ये तो उत्तर है, ये तो निष्कर्ष है ऐसा लगेगा। सुनिएगा देखो गजब की बात है, चार बातें जिनमें से पहली बात ये है कि पुण्य और पाप इन दोनों के कारणों में ही अंतर है, जब कारण में ही अंतर है तो कार्य में अंतर क्यों नहीं होगा। भाई घड़े मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो सोने से सोने के बर्तन बनते हैं भाई, तो अंतर है, कारण में ही अंतर है तो कार्य में अंतर क्यों नहीं मानते हो महाराज। आप तो बार बार कह रहे हो कि पुण्य और पाप एक है, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि दोनों के कारण ही अलग है। ये पहला तर्क, ये शिष्य की ओर से है, पहला तर्क है। फिर दूसरा तर्क देखो, पहला तो कारण का अंतर बताया शिष्य, दूसरा अंतर बता रहा है पुण्य और पाप में कि इन दोनों के स्वभाव में भी अंतर है महाराज, इनके स्वभाव में भी अंतर है। जहां शुभ आयु के कर्म परमाणु शुभ होते हैं तो अशुभ आयु कर्म के परमाणु अशुभ होते हैं,
साता कर्म के परमाणु शुभ होते हैं तो असाता के अशुभ होते हैं, नीच गोत्र के परमाणु अशुभ होते हैं तो उच्च गोत्र के परमाणु शुभ होते हैं, ये तो सीधी बात है ना। तो कह रहे हैं कि जिनके स्वभाव में भी अंतर, पाप का स्वभाव अलग है, पुण्य का स्वभाव अलग है। ये दूसरा पॉइंट हुआ, पॉइंट नंबर दो, याद रखना चार पॉइंट हैं। पहला पॉइंट था इनके कारण में ही अंतर है, कारण भेद, कारण भेद, ये पहला पॉइंट है। कारण भेद की जगह पर पुस्तकों में आपको दूसरा शब्द मिलेगा हेतु भेद, हेतु भेद कहो या कारण भेद कहो, एक ही बात है, ठीक है। ये पहला है। दूसरा है स्वभाव का अंतर, स्वभाव भेद, दूसरा है स्वभाव भेद, ठीक है। स्वभाव भी अलग है। और तीसरा पॉइंट है विपाक का अंतर, विपाक भेद, विपाक भेद बोलो, फल भेद बोलो, रस भेद बोलो, अनेक नाम मिलेंगे अलग अलग जगह पर अलग, रस भेद, रस भेद बोलो, है फल भेद बोलो, विपाक भेद बोलो, इसका भी अंतर है पुण्य और पाप में। ये शिष्य की ओर से चल रही है बात, प्रश्न बहुत लंबा है ना, उत्तर जैसा लगता है। अक्सर क्या होता है, प्रश्न होते हैं एक लाइन के और उत्तर होते हैं लंबे लंबे, एक एक दो दो पेज के। तो हमारे दिमाग में आज तक ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि जो एक दो लाइन का हो ना वो तो प्रश्न है और उत्तर होता है लंबा, लेकिन यहाँ उत्तर प्रश्न ही बहुत लंबा है, अभी प्रश्न ही चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। प्रश्न ही बड़ा है, प्रश्न क्या है। शिष्य कहता है कि ये पुण्य और पाप, ये दोनों में महाराज एक अंतर नहीं, एक अंतर हो तो मैं बताऊं, चार चार अंतर दिखाई दे रहे हैं मुझे। इन दोनों के कारण ही अलग हैं। पुण्य तो हिंसा से, झूठ से, चोरी से, भ्रष्टाचार से, अन्याय से, अनीति से होता है, और पुण्य किससे होता है कि जप तप पूजा दान भजन भक्ति तीर्थ इन सब से होता है। ये तो पहला अंतर है, कारण का अंतर। दूसरा है स्वरूप का अंतर, कि इनकी जो पुण्य रूप परमाणु होते हैं, इसके पाप रूप परमाणु होते हैं, ये शुभ परमाणु होते हैं, वे अशुभ परमाणु होते हैं। आपने तो खुद ही भक्तांबर में लिखा महाराज कि वो पुण्य रूप परमाणुओं से बने हुए हैं, भगवान आपकी दे। 12वें नंबर का श्लोक याद कर लीजिए, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, कि महाराज आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये जो शुभ परमाणु होते हैं कुछ अशुभ परमाणु होते हैं, तो ये जो पुण्य की जो कारमाण वर्गणाएं हैं ये शुभ परमाणु हैं, और पाप की जो कारमाण वर्गणा है वो अशुभ परमाणु। तो ये क्या अंतर है, ये स्वरूप का अंतर है, ये दूसरे नंबर का अंतर है। तीसरे नंबर का अंतर है विपाक का अंतर, विपाक बोलो, रस बोलो या भेद बोलो, इसका अंतर ऐसा है, इसको भी समझिए। इसका अंतर ये कहता है कि जब पाप का उदय आता है तो जीव हाय हाय करके रोता है, पाप का उदय आता है तो चारों ओर से प्रतिकूलताएं आ जाती है, जीव परेशान हो जाता है, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और यदि पुण्य का उदय आ जाए तो अरे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और जो है मिट्टी में भी डालो तो सोना बन के निकल जाता है, चारों ओर अनुकूलताएं आ जाती है, हंसी खुशी छा जाती है। तो इस तरह से कहने का मतलब इनका फल भी अलग है, हैं फल भी अलग है, समझ में आ रही, इनका फल भी अलग है। ये तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है कारण का, सॉरी तीसरा बिंदु है फल का अंतर, विपाक का अंतर, रस का अंतर, है ना। तो ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर क्या कहते हैं, कि चौथा अंतर ये कहते हैं कि महाराज एक चौथा भी अंतर है, जब मोक्ष मार्ग के आश्रित जो परिणाम होंगे उनसे तो पुण्य बनता है, और संसार के जो बंद मार्ग के आश्रित परिणाम होते हैं उनसे जो है पाप बनता है, तो आश्रय संबंधी भी भेद मुझे दिखाई देता है। ये शिष्य कह रहा है, आचार्य नहीं कह रहे, ये शिष्य कह रहा है, शिष्य कह रहा है कि मुझे तो ये जब मोक्ष मार्ग से संबंधित जब भी जो जो कार्य मतलब होते हैं उनके आश्रय से पुण्य बंधता हुआ नजर आता है, और संसार के जो बंद मार्ग के आश्रित जितने कर्म हैं उनके आश्रय से मुझे पाप बनता हुआ दिखाई देता है, तो मुझे जब इन दोनों में चार चार बड़े अंतर दिखाई दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े तर्क और युक्ति में आपको दे सकता हूं, तो फिर आप बार बार ये क्यों कहते हो कि पुण्य और पाप एक ही है। ये इतना बड़ा प्रश्न हुआ यहाँ तक,
यहाँ तक का बड़ा प्रश्न, अभी तक ये प्रश्न ही था, ये शिष्य की ओर से था, गजब है। यहाँ तक तो हमें लगता है कि हिला दिया, शायद इसका कोई समाधान नहीं होगा, उत्तर ही नहीं होगा लगता है, क्योंकि इतने बड़े तर्क दिए हैं, इसके सामने क्या उत्तर हो सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन आचार्य इसका भी उत्तर देते हैं, और बड़े गजब के उनके भी तर्क और युक्ति बड़ी अच्छी है। उनके क्या उत्तर हैं ये देखिए आप, इनके उत्तर हैं, पहला उत्तर है आचार्य देव का कि जो जीवों के शुभ और अशुभ, पहला अंतर क्या बताया था, कारण, कारण का अंतर। तो आचार्य देव पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे शिष्य, जो तुझे इन दोनों के कारण में अंतर दिखाई देता है ना, वो कारण का अंतर तो छोड़ दे, दिमाग से निकाल दे, क्योंकि वो जो शुभ क्रियाएं और अशुभ क्रियाएं है ना, जप तप दान और हिंसा झूठ चोरी, शुभ अशुभ क्रियाएं, वे दोनों ही क्रियाएं पुद्गलमयी होने से, अज्ञानमयी होने से, अज्ञान ही है अज्ञान ही है। देखो ये थोड़ी सी, मैं भी पता नहीं, मेरे भी शब्द छोटे पड़ते हैं, किताब के शब्द पढ़ देता हूँ, उससे शायद समझ में आ जाए जीवों के शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक ही है। देखो ये बात थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि आपने जब जीवा जीवाधिकार पढ़ा था, तब वहां पर जो लास्ट की कुछ गाथाएं थी, उनमें ये बताया था कि संक्लेश के स्थान, विशुद्धि के स्थान, गुण स्थान, मार्गण स्थान, है ना, ये सारे कितने प्रकार के स्थान आए थे ना, 29 प्रकार के भाव, उनमें ये बात आ चुकी है पहले, इसलिए आपको पहले से समझ में आ गई होगी कि विशुद्धि के स्थान भी क्या है, अज्ञानमयी, और संक्लेश के स्थान भी अज्ञानमयी है, ये दोनों ही अज्ञानमय है, इसलिए इनके कारण अलग अलग नहीं, एक ही कारण है। ये पहला, पहले तर्क का उत्तर है ये। फिर दूसरे तर्क का उत्तर क्या है, दूसरा तर्क दिया था कि जो कर्मण वर्गणाएं हैं उनमें से कुछ शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं, ये शिष्य ने कहा था। आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई तू ये शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, तू उसे शुभ और अशुभ के भेद से क्यों देखता है, तू तो उसको ये समझ कि ये है कर्मण वर्गणा, पुद्गलमयी है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही पुद्गल ही तो है, शुभ कर्म भी पुद्गल है, अशुभ भी पुद्गल है, जब दोनों ही पुद्गल है तो फिर तुम उसमें भेद क्यों करते हो, ये दूसरा है उत्तर। फिर तीसरा उत्तर क्या है कि तीसरा उत्तर ये है कि जो कर्मों के विपाक यानी कि जो फल होते हैं, वे फल भी पुद्गलमयी हैं, चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, चाहे साता का उदय आए चाहे असाता का उदय आए, ये सब चीजें, नीच गोत्र हो चाहे उच्च गोत्र हो, सारी की सारी चीजें पुद्गलमयी होने से एक है, पुद्गल है, क्योंकि इंद्रियों से भोगी जाती है ना ये चीजें, साता को भी असाता को भी, पांच इंद्रियों से ही भोगते, तो ये क्या है, पुद्गलमयी है, जीवमयी नहीं है, इसलिए इनका विपाक भी पुद्गलमय होने से एक ही है, ये तीसरे तर्क का उत्तर है। चौथे तर्क का उत्तर है यहाँ पर, बहुत सुंदर है ये, तो गजब का डिबेट का विषय है, डिबेट है यहाँ पर, बहुत गजब की डिबेट है। अब चौथा उत्तर यहाँ पर ये दे रहे हैं कि जो हे शिष्य, जो चौथा तर्क तुमने दिया कि मोक्ष मार्ग के आश्रय से पुण्य बंधता है और बंध के मार्ग से पाप बंधता है, ये तो तेरा प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ये तेरे समझने में भूल हो गई है। ये पुण्य भी बंध मार्ग से बनता है और पाप भी बंध मार्ग से बनता है, मोक्ष मार्ग तो इन दोनों से ही भिन्न चीज है, वो जीव के आश्रित है, वो जीव के आश्रित है, पुण्य और पाप ये दोनों पुद्गल के आश्रित है और मोक्ष जो है जीव के आश्रित है, इसलिए वो चौथा जो तर्क है उसमें तो तेरे ही भूल हो गई, इस प्रकार की बात। और आचार्य तो बार बार ये भी कहते हैं कि भाई जो ये शुभ और अशुभ, ये दो शब्द तो तूने बनाए, हमारे लिए तो अशुभ एक ही है शब्द, और जो दूसरा शब्द शुभ है ना, उसको हमने बचा के रखा है, बचा के रखा है, वो बाद में काम आता है, कि कहाँ काम लोगे महाराज, कि इसको मैं काम लूंगा शुद्ध के अर्थ में, और यहाँ इसका प्रयोग वास्तव में एक्चुअल में करके भी दिखाया आचार्य ने, टीका में लिखा है, टीका में एक जगह पर शुद्ध शब्द का प्रयोग करना था उनको,
तो वो शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करके उसकी जगह पर शुभ शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, ऐसा है करके भी दिखाया ऐसा। तो इस तरह से चार प्रश्नों के चार उत्तर हो गए, ठीक है, चार प्रश्नों के चार उत्तर हो गए। अब इसके बाद में इस गाथा की जो टीका थी, इस टीका में तर्क शिष्य की ओर से रखे गए और उन चार तर्क का ही आचार्य देव ने उत्तर दिया, क्या चीज है जरा आप उसको देख लीजिए। टेबल आपके सामने रख दी मैंने, इस टेबल से आप देखेंगे आपको चारों बातें समझ में आ जाएगी। चार मुख्य बिंदु हैं शिष्य की ओर से, एक तो कारण का है, दूसरा स्वभाव का अंतर है, तीसरा विपाक का अंतर है, चौथा आश्रय का अंतर है। अब कारण भेद, स्वभाव भेद, विपाक भेद और आश्रय भेद, ये चार, समझ गए, ये चार चीजें हैं। और इन चार चीजों का पूर्व पक्ष तो ये है कि जब पुण्य और पाप ये दोनों बंधते हैं तो इनके कारण अलग अलग हैं, शुभ क्रियाओं से पुण्य बंधेगा, अशुभ क्रियाओं से पाप बंधेगा, ठीक। लेकिन आचार्य देव ने क्या किया, वो कह रहे कि शुभ अशुभ ये दोनों परिणाम कैसे हैं, अज्ञानमय, अज्ञानमय है। अरे इसका बड़ा गजब लॉजिक है, आगे कहीं पर आएगा, यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह मैंने पढ़ा है, मैंने शायद एक बार पहले जिक्र भी किया है, एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। हमको लगता है कि ये पाप और पुण्य, देखो एक एक लॉजिक देता हूँ, हमें यूं लगता है कि शायद राग करेंगे तो पुण्य बंधेगा और द्वेष करेंगे तो पाप बंधेगा, क्या क्या लगता है जरा देखो, ये भी पूर्व पक्ष है, इसको भी आप जोड़ लो, ये पांचवा भी इसमें जोड़ दो। हमें क्या लगता है कि हम राग करेंगे, हिल मिल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के साथ में वात्सल्य से रहेंगे तो शायद पुण्य मिलेगा, और मान लो एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो हो सकता है पाप मिलेगा। लेकिन ये सोच भी गलत है, ये ऐसा नहीं है, पुण्य से ही पाप भी मिलता है और पुण्य भी मिलता है, वो सॉरी राग से पाप भी मिलता है और पुण्य भी मिलता है, इसी प्रकार द्वेष से भी पुण्य भी मिलता है और पाप भी मिलता है। राग और द्वेष इन दोनों से पुण्य भी मिल सकता है और इन दोनों से ही पाप भी मिल सकता है, गजब की बात है। सारे के सारे जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांच जो बंध के कारण है ना, इन पांचों से ही पुण्य भी मिलता है, इन पांचों से ही पाप भी मिलता है, मिथ्यात्व से भी पुण्य मिलता है, है मिथ्यात्व से मिलता है कि नहीं, अनादिकाल से हमारे पास क्या है, मिथ्यात्व भी तो है। अनादिकाल से आज तक मिथ्यात्व है तो भी पुण्य मिला, कई बार स्वर्गों में गए कि नहीं गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुण्य है वो मिथ्यात्व से भी मिल जाता है, पाप भी मिल जाता उसी से, तो कारण सेम है, मिथ्यात्व से दोनों मिलते हैं, अविरति से भी दोनों मिलते हैं, प्रमाद से भी दोनों मिलते हैं, कषाय से भी दोनों मिलते हैं और योग से भी दोनों मिलते हैं। जब पांचों कारण ऐसे हैं सेम, देखो ये पहला पॉइंट समझा रहा हूं मैं, थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं, बहुत फास्ट, लेकिन आप थोड़ा सा इसको गंभीरता से समझना। यहां शिष्य ने तो सिर्फ एक ही लॉजिक दिया और आचार्य देव ने तो लाइन लगा दी कि भाई तू सुन तो सही, पांच पांच कारण और पांचों से ही पुण्य भी मिलेगा पाप भी मिलेगा, हमको तो कारण एक ही दिख रहे हैं, हमें तो कारण एक ही दिख रहे हैं, अलग है ही नहीं कारण, मिथ्यात्व से पुण्य भी मिलता है और पाप भी मिलता है, कषाय से आप कहोगे कषाय से भी पुण्य मिलता है, गुस्सा करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, अरे भाई कैसी बात करते हो, हमने तो आज तक सुनी नहीं कि हाँ ऐसा ही है। कभी कभी शुभ गुस्सा भी होता है, जैसे बच्चे को आप सदमार्ग पे लाना चाहते हो, है बच्चा झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो गुस्से से भी तो उसको सन्मार्ग पे लाना चाहते हो, न्याय नीति की बातें सिखाना चाहते हो, तो वो जो गुस्सा एक पिता अपने पुत्र पर कर रहा है, एक गुरु अपने शिष्य पर कर रहा है, वो गुस्से से पाप थोड़े बनता है, उससे तो पुण्य बनता है भाई, तो गुस्से से ही पुण्य बनता हुआ देखते हैं, गुस्से से ही पाप बनता हुआ देखते हैं। सब चीजों में लगा लेना, पांच पांच चीज और पांचों के जितने भेद हैं सब पर लागू होगी ये चीज, बहुत गहर गंभीर बात है, इसी पर पूरा एक घंटा समझी जा सकती है, इतनी लंबी बात है, गंभीर है। योग से, अच्छा योग से समझ लीजिए, योग से पुण्य बनता है कि पाप बनता है कि दोनों बनते हैं, ये महाराज की ओर से उत्तर है, आचार्य देव की उत्तर, वो कह रहे हैं कि जब आपके मन वचन काय की गलत चेष्टाएं होंगी, कुत्सित चेष्टाएं होंगी तो पाप बंधेगा, और मन वचन काय की अच्छी चेष्टाएं हुई
तो इससे क्या होगा, पुण्य बंधेगा भाई, आपके इशारे गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, तो गलत होंगे तो पाप बंधेगा। कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जिससे लोगों का भला हो रहा है तो उससे पुण्य बंधेगा। तो एक ही कारण से पुण्य और एक ही कारण से पाप बनते हुए देखते हैं, इसलिए कारण का भेद नहीं है। ये पहले लॉजिक का निराकरण हो, उत्तर पक्ष हो गया, ठीक है। दूसरा, स्वभाव का भेद। शिष्य कहता है कि ये पुण्य की परमाणु है, ये पाप के परमाणु है, इन दोनों में मुझे अंतर दिखाई देता है। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये दोनों पुद्गल ही तो है, भले ही शुभ है चाहे अशुभ है वो तो ठीक है, लेकिन है तो पुद्गल ही। कारमण वर्गणा कोई बिना पुद्गल की थोड़ा ही है, पूरी की पूरी कारमण वर्गणा 148 भाई, शुभ अशुभ के भेद भी तो इन्हीं में बनेंगे। तो उस भाई 148 में से मेरे ख्याल में कितनी 101 के करीब तो शायद पाप रूप में, ऐसा 47 शायद पुण्य रूप में, कुछ ऐसा है, मेरे को पक्का ध्यान नहीं, देखना पड़ेगा एक्चुअली। तो वो जितने भी हैं, कहने का मतलब तो जितने भी हैं उनमें जो भी भेद है वो पूरे हैं क्या, पुद्गल ही तो हैं, उसमें भेद कहाँ हुआ, पुद्गल में ही है। पाप रूप परमाणु कारमण वर्गणाएं भी पुद्गल की बनी है और पुण्य रूप कारमण वर्गणाएं भी पुद्गल की बनी है, दोनों का स्वभाव एक पुद्गलमय है, इसलिए हमें तो उनमें अंतर दिखाई नहीं देता। ये दूसरे बिंदु का निराकरण, दूसरे बिंदु का निराकरण। तीसरे बिंदु का निराकरण, तीसरा बिंदु है विपाक भेद, रस भेद। शिष्य कहता है जब पुण्य का उदय आते हैं तो वारे न्यारे हो जाते हैं, घर में संपदाएं आ जाती है, चारों ओर जो है खुशहाली छा जाती है, है? और पाप का उदय आते तो हाय हाय हो जाता है, चारों ओर कष्ट पीड़ाएं चिंताएं, अरे राम राम क्या क्या हो जाता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं होने दो ना, वो जो सुख होता है वो भी शारीरिक है, इंद्रिय है, और दुख होता है वो भी इंद्रिय है, इंद्रियजन्य, इंद्रिय से भोगने योग्य है ना, आत्मा से भोगने योग्य तो है नहीं, अतीन्द्रिय तो है नहीं। अतीन्द्रिय सुख हुआ क्या पुण्य के उदय में, आज तक किसी को अतीन्द्रिय सुख हुआ क्या? तो ये उत्तर दे शिष्य को बोलते हैं, शिष्य को कहते हैं जो भी अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हुई वो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख दुख है, मतलब सांसारिक सुख दुख है, उससे आत्मिक सुख का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वे दोनों इंद्रिय से ही भोगने योग्य होने के कारण पुद्गलमयी है, दोनों ही अज्ञानमयी है, उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसा हो कि पाप के उदय से तो इंद्रिय सुख मिले और पुण्य के उदय से अतीन्द्रिय सुख मिले, तब तो हम समझेंगे कि हाँ इनमें अंतर है, लेकिन ऐसा अंतर तो है नहीं, इसलिए इनका विपाक भेद अर्थात रस भेद भी नहीं है। ये तीसरा बिंदु, तीसरे बिंदु का उत्तर। क्या गजब गजब है, बड़ी जबरदस्त डिबेट चल रही है, जोरदार गजब की। फिर चौथी बात, चौथी बात तो वो कह रहे हैं आचार्य देव कि तेरे समझने में ही भूल हो गई है, मोक्ष के आश्रय से तो कुछ भी नहीं है, ये तो जो जीव के परिणाम होते हैं ना उनसे होता है मोक्ष का आश्रय से, और ये जो पुण्य से, देखो पुण्य भी बांधने का ही काम करता है और पाप भी बांधने का ही काम करता है, तो ये पुण्य और पाप दोनों ही बंद मार्ग के आश्रित हुए ना कि मोक्ष मार्ग के आश्रित हुए, थोड़ा स्पीड से बोल गया, पुण्य भी बंद के आश्रित है, बंद मार्ग के आश्रित है, पाप भी बंद मार्ग के आश्रित है, दोनों ही बंद मार्ग के आश्रित, मोक्ष मार्ग के आश्रित कौन, मोक्ष मार्ग के आश्रित तो सिर्फ जीव के परिणाम होते हैं, तो यहां तो तेरी भूल हो गई, प्रश्न ही गलत है। तो इस तरह से ये चार लॉजिक और चारों के इस प्रकार से उत्तर दे करके ये टीका को शानदार बना दिया आचार्य अमृत चंद्र देव, गजब हो गया। इसीलिए तो आचार्य अमृत चंद्र देव की बड़ी महिमा है, है? जितना स्थान कुंद कुंद को मिलता है उससे भी ज्यादा स्थान कभी कभी जो है देखा जाए तो आचार्य अमृत चंद्र का, ऐसी बात ऐसी सुंदर व्याख्या। और यहाँ पर आचार्य ने तो कहा कि हम तो जो पंचम गति प्राप्त कराए उसे शुभ कहना चाहते हैं, हमारी दृष्टि में तो वो शुभ है, और ये चारों गतियों में ले जाने वाले जितने भी कर्म है जिनको तुम चाहे जो नाम दो तो हमारे लिए वो अशुभ है, ऐसा वो कहते हैं। और ऐसा कहते कहते टीका लिखते समय टीका में एक जगह पर उनको लिखना चाहिए था शुद्ध भाव से, लेकिन शुद्ध भाव से मोक्ष मार्ग ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन वहां पर शुद्ध भाव ने लिख करके शुभ भाव लिख दिया है। आपको चेक करना है तो चेक कर लो, हिंदी की किताब में 308 नंबर के पेज पर नीचे से शायद तीसरा पैराग्राफ है उसका, जो शुरुआत देखिए कहाँ से,
शुभ मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है। शुभ मोक्ष मार्ग क्या गजब, यहाँ चौंक जाता है पहली बार यदि कोई पढ़े तो चौंक जाता है। नीचे क्लियर है इसका उत्तर, शुभ मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है और अशुभ मोक्ष मार्ग केवल पुद्गलमय है। आ गई बात, क्या कह रहे हैं, शुभ मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग भी शुभ होता ही क्या, वो तो शुद्ध होना चाहिए है ना, लेकिन शुभ मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है और अशुभ बंध मार्ग केवल पुद्गलमय है, इस कारण वे अनेक हैं यानी भिन्न भिन्न है, दोनों में अलग अलग है, अंतर है, ये बताया जा रहा है। गजब बात, गजब बात है, है? देखो ये भी स्वभाव वेद का दूसरा पॉइंट है, उसका भी ये है टेबल, स्वभाव वेद का ये अंतर जो है ना शिष्य की ओर से दिया गया है, उसी का है कि जैसे साता के परमाणु हो चाहे असाता के परमाणु, दोनों पुद्गली तो हैं, तीन शुभ आयु हैं, एक नरक आयु अशुभ है, तो ये भी तो पुद्गल के ही बनी है, शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म, उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये शिष्य की नजर में इनमें अंतर दिखाई देता है, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि अंतर तो कुछ है ही नहीं, ये सभी पुद्गलमयी है, ऐसा है, ऐसा अंतर है भाई, ऐसी बात यहाँ बताई जा रही, गजब की बात बताई जा रही। ये गाथा तो बड़ी गजब है, एकदम रोचक है, एकदम बहुत बहुत विस्तार से है, इसको चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, लंबी गाथा है, दो दो दिन चल जाए इतनी लंबी गाथा। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये बात आपको समझ में आई, चार अंतर है, पहला कारण का भेद है, दूसरा स्वभाव का भेद है, तीसरा विपाक का भेद है, चौथा आश्रय का भेद है। ये तीन तीन चार चार अंतर बता करके आचार्य देव ने चारों का ही निराकरण किया है, बड़ी गजब की बात है। बीच में जो है दो पेज थोड़े से हाई लेवल की बात आई है बीच में, लेकिन उस हाई लेवल की बात को चाहे तो अभी करना है तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इसके जस्ट बाद का जो कलश आया है वो कलश लेना चाहिए, वो कलश इसके मिलते जुलते बात से है, तो आज चाहे तो पहले कलश ले लेते, बाद में उस बात को भी कर लेंगे, वो बात भी जरूरी है, वो उसको भी करेंगे, लेकिन कलश को भी ले लेते ऐसा। देखो 102 नंबर का कलश है, हालांकि समय तो बहुत तेजी से होते चला जा रहा है, वही होगा ही नहीं, ये 102 नंबर का कलश मैं पढ़ भी दूं होगा नहीं, लेकिन चलो फिर भी पढ़ देते हैं थोड़ा सा। देखो, अरे पुण्य अर पाप कर्म का हेतु एक है, आश्रय अनुभव अर स्वभाव भी सदा एक है, अतः कर्म को एक मानना ही अभीष्ट है, भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है। बहुत सुंदर बात है, जो चार बिंदु थे, चारों बिंदुओं का निराकरण हुआ, उसी के निष्कर्ष स्वरूप ये जो कलश है। देखो चाहे तो ये कलश को अपन आगामी व्याख्यान में पढ़ सकते थे, हालांकि जो बात छूट गई उनको मैं आगामी व्याख्यान में लेऊंगा, लेकिन पहले ये कलश मैंने इसलिए लिया है कि ये जो बात चल रही थी टीका में उसका जो है यहाँ निष्कर्ष है। बीच में कुछ बात मैंने जो अभी छोड़ी है वो थोड़ी हाई लेवल की है, कठिन है थोड़ी, है ना, सामान्य जन तक तो इतनी बात सरल है, थोड़ी गहराई में यदि उतरना कोई चाहे उसके लिए जो बात है वो मैंने अभी रोकी हुई है, वो अगले व्याख्यान में ले लेंगे, ठीक है। देखो ये 102 नंबर का कलश, तुरंत जस्ट बाद में यदि इसको पढ़े तो एकदम पूरी बात ख्याल में आ जाती है कि चार तर्क शिष्य की ओर से थे और उन चारों को एक मानने संबंधी निष्कर्ष 102 नंबर के कलश में रखा गया। अरे पुण्य अर पाप कर्म का हेतु एक है, आश्रय अनुभव हर स्वभाव भी सदा एक है। चारों बातें आ गई कि नहीं, देखो आश्रय अनुभव स्वभाव और ऊपर की लाइन में हेतु है, दिख रहा है कि नहीं, हेतु कि दिखा दू, इधर इधर स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं चाहिए तो, कहाँ गया पता नहीं, देखना पड़ेगा है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, कहीं पे मैंने खोल के रखा था लेकिन जाने दो उसको, तो नहीं मिल रहा है तो, लेकिन आपकी पुस्तक तो है ही आपके पास, उसमें देखो हेतु एक है, पहली लाइन कह रही हेतु एक है, आश्रय एक है, अनुभव एक है, स्वभाव एक है। अनुभव किसे कहते हैं, अनुभव यानी रस, विपाक है ना, विपाक भेद जो आया था वो अनुभव, अनुभव का भेद भी एक है, अतः कर्म को एक मानना ही अभीष्ट है, दोनों कर्मों को एक ही मानना ठीक है, भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है, एक को भला जानो दूसरे को बुरा जानो, देखो क्या होता है,
पुण्य तो करना पड़ेगा। आज की बात नहीं कर रहे हम, ये जो भी चर्चा हो रही है आज की, अभी की जो हमारी भूमिका है उसके हिसाब से नहीं हो रही है। बात हो रही है कि क्या होना चाहिए। देखो दो बातें, मैं एक सेंटेंस से आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ, दुनिया में क्या हो रहा है एक तो इसकी चर्चा करे कोई, और क्या होना चाहिए इसकी चर्चा करे कोई, तो दोनों में बड़ा अंतर आ जाए। क्या होता है क्या हो रहा है ये अलग है, पर क्या होना चाहिए वो एक अलग ही चीज है। आज हमारी मजबूरी है कि हम शुद्ध भाव में नहीं जा सकते, इसलिए हार कर हमको पुण्य अपनाना ही पड़ेगा, यदि नहीं अपनाएंगे तो पाप में जाना पड़ेगा, ये है प्रॉब्लम हमारी। इसलिए हमारी मजबूरी है पुण्य तो, लेकिन वो पुण्य में गौरव मानना। जैसे ही हमने गौरव मान लिया, अरे हम तो बच गए ना पाप से, बच गए, देखो हम तो बहुत अच्छा हो गया, जैसे ही हमने गौरव माना समझो हमने मिथ्यात्व कर लिया। पुण्य में रहना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पुण्य को उपादेय समझ लेना, अच्छा समझ लेना, उसी पुण्य करते करते एक दिन मोक्ष हो जाएगा ऐसा समझ लेना, हो गया मिथ्यात्व, हो गई पानी में गई। देखो जब हम पूरा दिन भर भूखा रहते हैं, 404,000 सीढ़ी चढ़ के यात्रा करके आते हैं, इतना परिश्रम करते इतनी मेहनत करते, तब जो पुण्य अर्जित किया थोड़ा बहुत, ठीक है थोड़ा बहुत पुण्य मिल गया अच्छी बात है, लेकिन जब हमने ये मन में सोचा कि इसी पुण्य से हमारी पार पड़ जाएगी मोक्ष चले जाएंगे, तो जितना पुण्य कमाया ना उससे ज्यादा पाप कमा लिया कि ज्यादा, और वो भी पाप, हाँ कौन सा पाप कमाया कि मिथ्यात्व का पाप, मिथ्यात्व का पाप सबसे बड़ा पाप। ठीक है वो पुण्य भी रहेगा आपके खाते में, ऐसा नहीं कि वो डिलीट हो जाएगा, वो भी रहेगा, लेकिन उसके साथ आपने मिथ्यात्व भी कमा लिया। अनादिकाल से ये जीव पुण्य तो कमाता ही है, साथ में मिथ्यात्व का पाप भी कमाते आ रहा है। जब समय सार पढ़ लोगे समझ लोगे तो आप पुण्य तो कमाओगे, लेकिन साथ में जो मिथ्यात्व कमा रहे थे ना वो बंद हो जाएगा, कितना बड़ा फायदा हो जाएगा सोचो आप। गजब की बात है, सोचने योग्य बात है, बहुत गंभीरता की बात है, एकदम गंभीर बहुत सोचना है इसको, लेक्चर के बाद भी सोचना। फिर से बोलता हूं, पहले जब तक समय सार नहीं पड़ा तब की स्थिति क्या होगी, और समय सार पड़ने के बाद की क्या स्थिति होगी वो सुनना, देखो अंतर अंतर गजब का अंतर है। जब तक समय सार नहीं पड़ा तब तक हम जितने भी पुण्य क्रियाएं करते थे तो पुण्य तो मिलता ही था, साथ में मिथ्यात्व का पाप भी मिलता था, दो दो चीजें। लेकिन जब समय सार पढ़ लिया तो पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन ये जानते कि अरे ठीक है ना इस पुण्य से थोड़े ही मोक्षवान मिलेगा, तो अब मिथ्यात्व का पाप बंद हो गया, सिर्फ पुण्य आया, तो कितना बड़ा फायदा होगा। ये फायदा दिखता ही क्या, तिजोरी में आया हुआ पैसा तो दिखेगा, लेकिन ये वाला फायदा नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए थोड़ी अलग तरीके की दृष्टि चाहिए। बड़ी गजब की बात है, अद्भुत बात है। देखो समय सार पड़ने से जो फायदा होगा ना, वो फायदा इन आंखों से दिखने वाला फायदा नहीं है, वो फायदा एक अलौकिक फायदा है, अद्भुत फायदा है, गजब की फायदा है। आगे ऐसी ऐसी बातें, अभी तो हमने सिर्फ दो ही अधिकार पढ़े हैं, अब आगे छोटे छोटे अधिकार हैं, नई 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 चीजें आएंगी उनमें। आस्त्रव अधिकार आंखें खोल देगा, संबर अधिकार आंखें खोल देगा। संबर अधिकार में आचार्य ने एक भी भेद नहीं गिनाया, पूरे दुनिया का साहित्य, पूरा जैन साहित्य, कहीं पर भी आप संबर का प्रकरण खोल के देखो, कहीं पर भी उसमें झट से गिनाएंगे, गुप्ति समिति अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र धर्म, इन सबसे, इन सबसे जो है परिचय वो, इन सबसे संबर होगा। लेकिन समय सार में एक शब्द भी इनके बारे में, वो एक अलग ही दृष्टिकोण, तो इधर हमको भेद में पढ़ना ही नहीं है, अभेद अभेद दृष्टि से कथन किया उन्होंने गजब तरीके से। उन्होंने कहा ये गुप्ति समिति अनुप्रेक्षा ये सब तो ऑटोमेटिक पीछे पीछे चले आएंगे, सिर्फ एक भेद ज्ञान कर लो, गजब बात है। गाय के बछड़े को लेकर के आगे आगे चलो, गायें अपने आप पीछे पीछे आती है, ऐसे ही ये गुप्ति समिति अनुपरीक्षा परिषद सब पीछे पीछे चले आएंगे, सिर्फ एक भेद ज्ञान कर लो, ऐसी ऐसी दृष्टिकोण दिया है, बड़ा गजब का प्रकरण है। निर्जराधिकार आंखें खोल देता है, धर्म क्या है वो समझ में आ जाती है। धर्म बाहर से दिखने वाली चीज तो है ही नहीं, नामो निशान भी पता नहीं लगता धर्म का। बाहर से हो सकता है कोई जीव इतना धर्मात्मा दिखे, इतना धर्मात्मा दिखे कि हम
कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन निर्जराधिकार बताएगा कि वो धर्मात्मा है कि नहीं, ऐसी कह चुके। और कोई जीव ऐसा लगेगा अरे ये धर्मात्मा तीन काल में पॉसिबल नहीं, ये युद्ध करने जा रहा है, शत्रु पर जो है तलवार उठा रहा है, ये धर्मात्मा सवाल ही नहीं। लेकिन निर्जराधिकार बताएगा कि वो है कि नहीं, उसकी क्या पहचान है, क्या कसौटी है, वो निर्जराधिकार बताएगा। ऐसी गजब गजब की बातें इसमें आएंगी। कहने का अर्थ ये है कि ये जो 145 नंबर की गाथा है अद्भुत गाथा है, शुरुआत ही जबरदस्त तरीके से हुई है। जो मूलभूत प्रश्न है जो आम पब्लिक के मन में अनादि से उठते आ रहे हैं, उन प्रश्नों का एकदम पहले ही झटके में एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिया। ऐसी गजब बात है, समझ में आई बात, अद्भुत बात है। अभी तो इसमें चर्चा काफी शेष बची है, अगले व्याख्यान में इसको फिर से लेंगे, है ना। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, आज के लिए इतना ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर।